हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए नई नई वीडियोस देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जराहट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, छठ हिंदू त्योहार है जो हर साल लोगों द्वारा बहुत उत्सुकता के साथ मनाया जाता है। ये हिंदू धर्म का बहुत प्राचीन त्योहार है जो ऊर्जा के परमेश्वर के लिए समर्पित है, जिन्हें सूर्य या सूर्य षष्ठी के रूप में भी जाना जाता है। लोग पृथ्वी पर हमेशा के लिए जीवन का आशीर्वाद पाने के लिए भगवान सूर्य को धन्यवाद देते हैं और ये धन्यवाद देने के लिए ये त्योहार मनाते हैं। लोग बहुत उत्साह से भगवान सूर्य की पूजा करते हैं और अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और बुजुर्गों के अच्छे के लिए, सफलता और प्रगति के लिए प्रार्थना करते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार सूर्य की पूजा कुछ श्रेणी रोगों के इलाज से संबंधित है, जैसे कुष्ठ रोग आदि। इस दिन जल्दी उठकर पवित्र गंगा में नहाकर पूरे दिन उपवास रखने का रिवाज होता है। यहाँ तक कि वो पानी भी नहीं पीते और एक लंबे समय तक पानी में खड़े रहते हैं। वो उगते हुए सूर्य को प्रसाद और अर्घ्य देते हैं। ये भारत के विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है, जैसे कि बिहार, यूपी, झारखंड और नेपाल। कुछ स्थानों पर चैत्री छठ चैत्र के महीने मार्च से अप्रैल में होली के कुछ दिन बाद मनाया जाता है। इसका नाम छठ इसलिए पड़ा क्योंकि ये कार्तिक महीने के छठे दिन मनाया जाता है। छठ पूजा देहरी, ओन, सोने, पटना, देव और गया में बहुत प्रसिद्ध है। अब ये पूरे भारत में मनाया जाने लगा है। आइए हम आपको बताते हैं 2017 में छठ पूजा की तारीख किस प्रकार है। मंगलवार 24 अक्टूबर 2017 स्नान और खाने का दिन है। बुधवार 25 अक्टूबर 2017 को उपवास का दिन है, जो 36 घंटे की उपवास के बाद सूर्यास्त के बाद समाप्त हो जाता है। गुरुवार 26 अक्टूबर 2017 संध्या अर्ध का दिन, जो कि संध्या पूजन के रूप में भी जाना जाता है। शुक्रवार 27 अक्टूबर 2017 सूर्योदय अर्ध और पारायण या उपास के खोलने का दिन होता है। आइए अब हम आपको छठ पूजा के इतिहास और उत्पत्ति के बारे में बताते हैं। छठ पूजा हिंदू धर्म में बहुत महत्व रखती है और एक ऐसी धारणा है कि राजा द्वारा पुराने पुरोहितों से आने और भगवान सूर्य की परंपरागत पूजा करने के लिए अनुरोध किया गया था। उन्होंने प्राचीन ऋग्वेद से मंत्रों स्रोतों का पाठ करके सूर्य भगवान की पूजा की। प्राचीन छठ पूजा हस्तिनापुर के पांडवों और द्रौपदी के द्वारा अपनी समस्याओं को हल करने और अपने राज्य को वापस पाने के लिए की गई थी। ये भी माना जाता है कि छठ पूजा सूर्य पुत्र कर्ण के द्वारा शुरू की गई। वो महाभारत युद्ध के दौरान महान योद्धा था और अंगदेश बिहार का मुंगेर जिला का शासक था। छठ पूजा के दिन छठी मैया भगवान सूर्य की पत्नी की पूजा की जाती है। छठी मैया को वेदों में उषा के नाम से भी जाना जाता है। उषा का अर्थ है सुबह, दिन की पहली किरण। लोग अपनी परेशानियों को दूर करने के साथ साथ ही मोक्ष या मुक्ति पाने के लिए छठी मैया से प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा मनाने के पीछे दूसरी ऐतिहासिक कथा भगवान राम की है। यह माना जाता है कि 14 वर्ष के वनवास के बाद जब भगवान राम और माता सीता ने अयोध्या वापस आकर राज्याभिषेक के दौरान उपवास रखकर कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष में भगवान सूर्य की पूजा की थी, उसी समय से छठ पूजा हिंदू धर्म का महत्वपूर्ण और परंपरागत त्योहार बन गया और लोगों ने उसी तिथि को हर साल मनाना शुरू कर दिया। आइए हम आपको छठ पूजा की कथा सुनाते हैं। बहुत पहले एक राजा था जिसका नाम प्रियव्रत था और उसकी पत्नी मालिनी थी। वे बहुत खुशी से रहते थे, किंतु इनके जीवन में एक बहुत बचा दुख था कि इनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने महर्षि कश्यप की मदद से संतान प्राप्ति के आशीर्वाद के लिए बहुत बड़ा यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ के प्रभाव के कारण उनकी पत्नी गर्भवती हो गई, किंतु 9 महीने बाद उन्होंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया। राजा बहुत दुखी हुआ, उसने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया।
अचानक आत्महत्या करने के दौरान उसके सामने एक देवी प्रकट हुई। देवी ने कहा, मैं देवी छठी हूँ और जो भी कोई मेरी पूजा शुद्ध मन और आत्मा से करता है वह संतान अवश्य प्राप्त करता है। राजा प्रियव्रत ने वैसा ही किया और उसे देवी के आशीर्वाद स्वरूप सुंदर और प्यारी संतान की प्राप्ति हुई। तभी से लोगों ने छठ पूजा को मनाना शुरू कर दिया। आइए अब छठ पूजा की परंपरा और रीति रिवाजों के बारे में जान लेते हैं। यह माना जाता है कि छठ पूजा करने वाला व्यक्ति पवित्र स्नान लेने के बाद संयम की अवधि के 4 दिनों तक अपने मुख्य परिवार से अलग हो जाता है। पूरी अवधि के दौरान वह शुद्ध भावना के साथ एक कंबल के साथ फर्श पर सोता है। सामान्यतः यह माना जाता है कि यदि एक बार किसी परिवार ने छठ पूजा शुरू कर दी तो उन्हें और उनकी अगली पीढ़ी को भी इस पूजा को प्रतिवर्ष करना पड़ेगा और इसे तभी तोड़ा जा सकता है जब उस परिवार में किसी की मृत्यु हो गई हो। भक्त छठ पर मिठाई, खीर, ठेकुआ और फल सहित छोटी बांस की टोकरी में सूर्य को प्रसाद अर्पण करते हैं। प्रसाद शुद्धता बनाए रखने के लिए बिना नमक, प्याज और लहसुन के तैयार किया जाता है। यह 4 दिन का त्योहार है। पहले दिन भक्त जल्दी सुबह गंगा के पवित्र जल में स्नान करते हैं और अपने घर प्रसाद तैयार करने के लिए कुछ जल घर पे भी लाते हैं। इस दिन घर और घर के आसपास साफ सफाई होनी चाहिए। वे एक वक्त का खाना लेते हैं जिन्हें कद्दू भात के रूप में जाना जाता है, जो केवल मिट्टी के स्टोव, चूल्हे पर आम लकड़ियों का प्रयोग करके या तांबे या मिट्टी के बर्तन में बनाया जाता है। दूसरे दिन छठ के एक दिन पहले पंचमी को भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं और शाम को पृथ्वी की पूजा के बाद सूर्यास्त के बाद व्रत खोलते हैं। वे पूजा में खीर बनाते हैं, पूरी बनाते हैं और फल अर्पित करते हैं। शाम को खाना खाने के बाद वे बिना पानी पिए 36 घंटे का उपवास रखते हैं। तीसरे दिन वे नदी के किनारे घाट पर संध्या अर्घ देते हैं। अर्घ देने के बाद वे पीले रंग की साड़ी पहनती हैं। परिवार के अन्य सदस्य पूजा से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इंतजार करते हैं। छठ की रात कौसी पर 5 गन्नों से कवर मिट्टी के दिए जलाकर पारंपरिक कार्यक्रम मनाया जाता है। 5 गन्ने यानी पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश को प्रदर्शित करते हैं, जिससे मानव शरीर का निर्माण होता है। चौथे दिन की सुबह भक्त अपने परिवार और मित्रों के साथ गंगा नदी के किनारे बिहानियां अर्घ्य अर्पित करते हैं। भक्त छठ प्रसाद खाकर व्रत को खोलते हैं। आइए अब हम आपको छठ पूजा की चरण बताते हैं। छठ पूजा की 6 महान चरण हैं, जो कि इस प्रकार है। पहली, यह माना जाता है कि त्योहार पर उपवास और शरीर की साफ सफाई तन और मन को विषैले तत्व से दूर करके लौकिक ऊर्जा को स्वीकार करने के लिए किए जाते हैं। दूसरी, आधे शरीर को पानी में डुबोकर खड़े होने से शरीर से ऊर्जा के निकास को कम करने के साथ ही उन्नत करके प्राणों को सुगम करते हैं। तीसरी चीज, तब लौकिक सूर्य ऊर्जा रेटिना और ऑप्टिक नसों द्वारा पीनियल, पीयूष और हाइपोथैलेमस ग्रंथियां यानी त्रिवेणी परिसर के रूप में जाना जाता है, इसमें ये जगह लेती है। चौथे चरण में त्रिवेणी परिसर सक्रिय हो जाता है। पांचवी, त्रिवेणी परिसर की सक्रियता के बाद रीढ़ की हड्डी का ध्रुवीकरण हो जाता है और भक्त का शरीर एक लौकिक बिजली घर में बदल जाता है और कुंडलिनी शक्ति प्राप्त हो जाती है। छठी, इस अवस्था में भक्त पूरी तरह से मार्गदर्शन करने, पुनरावृत्ति करने और पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा पर पारित करने में सक्षम हो जाता है। आइए हम आपको अब छठ पूजा की प्रक्रियाओं के लाभ बताते हैं। यह शरीर और मन के शुद्धिकरण का तरीका है जो जैव रासायनिक परिवर्तन का नेतृत्व करता है। दूसरी, शुद्धिकरण के द्वारा प्राणों के प्रभाव को नियंत्रित करने के साथ ही अधिक ऊर्जावान होना संभव है। यह तत्व की रूपरेखा में सुधार करता है, बेहतर दृष्टि विकसित करता है और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करता है। छठ पूजा से हमें क्या क्या लाभ होते हैं? छठ पूजा के भक्त शरीर की प्रतिरोधक क्षमता में सुधार कर सकते हैं।
विभिन्न प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों को सुरक्षित सूरज की किरणों के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। यह श्वेत रक्त कणिकाओं की कार्य प्रणाली में सुधार करके रक्त की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। सौर ऊर्जा हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान करता है। रोज सूर्य ध्यान शरीर और मन को आराम देता है। प्राणायाम, योगा और ध्यान क्रिया भी शरीर और मन को नियंत्रित करने के तरीके हैं। तीर्थयात्री गंगा नदी के तट पर एक शांतिपूर्ण योग और ध्यान के लिए वाराणसी में आते हैं। आइए अब हम आपको छठ पूजा का महत्व बताते हैं। छठ पूजा का सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान एक विशेष महत्व होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त का समय दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है, जिसके दौरान एक मानव शरीर को सुरक्षित रूप से बिना किसी नुकसान के सौर ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। यही कारण है कि छठ महोत्सव में सूर्य को संध्या अर्घ्य और विहानिया अर्घ्य देने का एक मिथक है। इस अवधि के दौरान सौर ऊर्जा में पराबैंगनी विकिरण का स्तर कम हो जाता है, तो यह मानव शरीर के लिए सुरक्षित होता है। लोग पृथ्वी पर जीवन को जारी रखने के साथ साथ आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भगवान सूर्य का शुक्रिया अदा करते हैं। छठ पूजा का अनुष्ठान मानसिक शांति प्रदान करता है, ऊर्जा का स्तर और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जलन क्रोध की आवृत्ति साथ ही नकारात्मक भावनाओं को बहुत कम कर देता है। यह भी माना जाता है कि छठ प्रक्रिया के उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करने में मदद करता है। इसी तरह मान्यताएं और रीति रिवाज छठ अनुष्ठान को हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको छठ पूजा के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना ना भूलें, और इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।